इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही खतरनाक पहाड़ी इलाके के अंदर, जहाँ पे अक्सर चीते जो है लोगों पे हमला करता है। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये है घर। इन्हीं रास्तों से चीता अक्सर आता है, ऐसे उतर के मवेशियों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये देखें जी, जंगली खरगोश का घर। जो कांटे वाले चूहे नहीं होते, इनके कांटे निकले होते हैं, ये उसकी स्टोरी बता रहे हैं। ये यहाँ पे बहुत सारे हैं इस इलाके के अंदर। चीता के पंजों के निशान किधर हैं? आपने देखे कभी चीते इधर? दो बकरी तो मेरी इसने जो है ना, अच्छा, मार दी थी ना। दो बकरी मार दी थी? दो नहीं है, तीन बल्कि मारी है। चीते की गार मिल चुकी है, जिसका जिक्र किया है, जिसकी तलाश में मैं आया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक बहुत ही ख़तरनाक पहाड़ी इलाके के अंदर, जहां पे अक्सर चीते जो है लोगों पे हमला करता है और उनके जानवरों को, मवेशियों को भी उठाकर ले जाता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। तो आज आए हैं, मैं इस टाइम मौजूद हूँ एबटाबाद की तहसील लोरा हिजारा में, जहाँ पर एक गाँव के अंदर मैं आया हूँ। और इस गाँव में मैं लोगों से बात करूँगा और हम जानेंगे कि यहाँ पे जो चीता जो लोगों पे अटैक करता है, कितनी बार किया है, किस टाइम करता है और उसका साइज़ क्या है। अभी हम चल रहे हैं एक जंगल के अंदर, जहाँ से वो आता है, और वहाँ पे और भी कई सारे जानवर हैं, तो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। वैसे इस टाइम मिलता तो नहीं है, लेकिन चल के देखते हैं कि जहाँ उसकी अमाजगा है, जहाँ वो बैठता है, उस तरफ जा रहे हैं। और कुछ गांव के बच्चे मुझे लेके जा रहे हैं। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये हैं घर। ये घर बने हैं और ये पहाड़ से, ये पहाड़ के बिल्कुल साथ हैं घर। और ये सामने का पूरा ऐसा मंजर देखे, जंगल ही जंगल है। ये सामने निरा जंगल है और इन्हीं रास्तों से चीता अक्सर आता है, ऐसे उतर के, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने मवेशी रखे होते हैं अपने घरों के अंदर पीछे, और यहीं से मवेशियों पे, इंसानों पे तो हमले इतने ज़्यादा नहीं सुनने को आए, लेकिन मवेशियों को बहुत नुकसान पहुँचाता है। ये देखें, इस तरह की गलियां होती हैं पहाड़ों के अंदर, जहाँ से ये गुज़र होता है इनका। ये रास्ता जो मैं दिखा रहा हूँ ना, जिस जगह मैं चल रहा हूँ, ये मुझे यहाँ के इलाके वालों ने बताया है। कुछ लोग कैमरे पर आने को राज़ी हैं और कुछ लोग राज़ी नहीं हैं। तो महल्ले वालों ने कुछ बच्चे मेरे साथ कर दिए कि वो ले जा कर दिखाएंगे जगह। अभी ख़तरा इसलिए नहीं है क्योंकि दिन में नहीं निकलता वो, रात में या सुबह सुबह फजर का टाइम होता है। आइए चल के दिखाता हूँ। ये वो रास्ता बता रहे हैं कि यहाँ से अक्सर जो है देखा गया है। ये देखें बच्चे खड़े हैं इधर, इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे, यहाँ से आते जाते देखा गया अक्सर। अभी चलते हैं उसकी मेन जगह पर, जहाँ पर उसका बसेरा है, वहाँ चल रहे हैं, वहाँ चल के दिखाता हूँ आपको। ये वजी हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं वजी जी। ये मुझे बता रहे हैं खरगोश के बिल के पास लेके जा रहे हैं, जंगली खरगोश, जहाँ पे इन्होंने जंगली खरगोश भी देखे हैं। क्या देखा है, कहाँ पे देखे तुमने? यहाँ वो जो सामने मोड़ है पत्थर के नीचे, अच्छा वहाँ पे। आइए आपको दिखाता हूँ जंगली खरगोश का घर। ये देखें जी, जंगली खरगोश का घर। यहाँ से खरगोश निकलते हैं भारत से रातों को। ये देखें घोंसला बनाया हुआ है खरगोश ने, क्या कहते हैं इसको, गार बनाई हुई है। यहाँ खरगोश रहते हैं, अभी भी अंदर होंगे तो इधर बैठते हैं आके। ये देखें, ये जगह खरगोशों के बैठने की है। यहाँ पे निकल के जंगली खरगोश जो है बैठते हैं अक्सर। इन बच्चों ने भी देखा है। बेटा क्या देखा तुमने? इधर जंगली खरगोश। कहाँ पे देखे? यहीं बैठते हैं आके। कितने बड़े बड़े इतने इतने होते हैं? अच्छा लो जी, छोटे छोटे मतलब दरमियाने साइज़ के जैसे होते हैं, रेड आँखों वाले खरगोश वो। ये उन्होंने बिल बताया, ये उनका बिल है। अच्छा वजी, कहाँ लेके जा रहे हो अब? नहीं जंगल में, क्या है वहाँ पे, क्या है? चीते होते हैं? तुमने देखे कभी चीते? हमने जी एक दफा देखा था। अच्छा हम लोग तो बहुत दूर थे। अच्छा हम लोग उधर नीचे थे, चीता इधर था। ये इधर यार, अभी इस टाइम चीता घर आगे फिर क्या करेंगे हम? नहीं इस टाइम नहीं आते, रात के टाइम, रात के टाइम पे। अच्छा रात के टाइम गए थे तो उसने ऐसे कहा। अच्छा कहाँ पे? उधर आगे
लो जी, अभी आपने देखा खरगोश का बिल और वहीं पे सांप का बिल भी था। और अभी हम जा रहे हैं एक जंगल में, लेके जा रहे हैं बच्चे जहाँ पे बता रहे हैं कि चीते होते हैं। और मेरे साथ इस टाइम वजी जो है मौजूद हैं। वजी से पूछते हैं। वजी मुझे बहुत अच्छा किस्सा सुना रहा था अभी, तो मैंने कहा भाई कैमरे पे सुनाओ, मुझे मत सुनाओ कैमरे पे, ताकि आप लोग भी सुन सके ना। अच्छा वजी, क्या किस्सा था, क्या क्या हुआ था घर में जब चीता आ गया था तुम्हारे? जब हमारे नीचे होती थी हमारी बकरी, वहाँ पर आ गया था चीता, उसने बकरी का पकड़ लिया था गला। अच्छा, वहाँ से फिर जब बकरी चीखी मेरे पापा को आवाज़ ही आई, उधर उन्होंने देखा तो चीते ने बकरी का वो गला दबाया था। अच्छा, फिर उन्होंने लिए डंडे चंडे उसे मारा को। अच्छा, फिर वो चीता भाग गया, लेकिन हमारी बकरी मर गई। बकरी मर गई थी? ओहो, ये किस टाइम की बात है? यहाँ से 2 साल पहले की। 2 साल पहले की है। और ये वक्त क्या था उस टाइम, मतलब रात का वक्त था? रात का वक्त था जी। अच्छा, 1-2 बजे का वाक्य है। 1-2 बजे का वाक्य है जी। आप भी थे? यार आप तो 2 साल पहले छोटे हो गए। और नहीं, अच्छा और क्या क्या यहाँ पे देखा तुमने जानवर को? और यहाँ पे एक दफा हम लोग यहाँ पे बैठे, इधर बैठा हुआ था, यहाँ से मेरे पास थे जंगली खरगोश, वही पास नहीं थे, थोड़े से फासले पे थे। अच्छा, फिर वो वहाँ से भाग गए। भाई ये बता रहे हैं जो कांटे वाले चूहे नहीं होते, इनके कांटे निकले होते हैं, ये उसकी स्टोरी बता रहे हैं। ये यहाँ पे बहुत सारे हैं इस इलाके के अंदर। इसने मेरा बैग मुझसे ज़बरदस्ती ले लिया है। अब मैं बच्चों को ले जाने में डर तो बहुत रहा हूँ, क्योंकि इनके वालिद साहब जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि बच्चों को ले जाओ, अभी डरने वाली बात नहीं है, अभी इस टाइम नहीं आता कोई चीता, वो रात में निकलते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। मैं अभी ये मुझे लेके जा रहे हैं जंगल में जहाँ पे चीते का बसेरा होता है। जहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो अपनी किसी गुफा में सो रहा होगा, इस टाइम आएगा नहीं, आइए हमको दिखाते हैं आपको। तो चल रहे हैं। उदयस, तुम थक तो नहीं गए बैग टांग के? हैं, लाओ मुझे दे दो। वो सामने सारा जंगल है जहाँ से चीता निकल के आता है, बता रहे हैं। चलते हैं उस तरफ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई जंगली जानवर भी मिले तो वो भी मैं आपको दिखाऊँ, लेकिन ये दिन का टाइम है, इस टाइम होते नहीं है कोई जानवर। ये है जंगल, और बच्चे बता रहे हैं कि इस टाइम पे हमें अगर कोई जानवर मिला भी तो सांप ही मिलेगा, और कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम चलते हैं। हैं? ये देखें चीते के पंजों के निशान किधर हैं? ये देखें ये जी। हाँ खड़ा हो। ओए होए 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 होए, ये देखे जी, ये चीते के, ये वाकई चीते के पंजे के निशान है यार, ये चीते के पंजे के निशान, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये यहाँ पे ऊपर एक भावा बैठा हुआ है। भाई मुझे तो डर लग रहा है ये देखकर कि यहाँ पे चीते के पंजों के निशान अभी मौजूद हैं, क्योंकि मिट्टी ये गीली होगी, उस टाइम पे चीता आया होगा, रात के टाइम मिट्टी जो है ना नम हो जाती है। और जी ये भी किसी जानवर का कोई वो है, क्या कहते हैं उसको, गुफा गार या इस तरह की कोई चीज़ है। और ये देखें, ये सांप तो नहीं है? ये एक बिल भी नज़र आ रहा है, ये बिल नज़र आ रहा है, ये मेरा सांप का बिल है शायद जी। हाँ ये सांप ही लग रहा है, यहाँ पे सांप होगा यकीनन, सांप का बिल है। भाई बड़ा ख़तरनाक जंगल है ये, इस टाइम जहाँ मैं आया हूँ। चलते हैं ऊपर की तरफ। और ये है पूरा चीड़ का जंगल, और बहुत स्लिपरी है। चलो 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 चलो, बच्चे ऊपर नहीं चढ़ पा रहे, स्लिप हो रहे। बहुत मुश्किल है भाई ऊपर चढ़ना, और ऐसे रास्तों पे। हाँ अच्छा जी, मेरे साथ यहाँ के एक मुकामी हैं जो यहीं पे अपनी बकरियाँ भी चराते हैं, और उन्होंने चीतों को और काफ़ी सारे जंगली जानवरों को देखा भी है, विटनेस भी किया है, और ये बता रहे हैं कि इधर घूमते हैं।
आइए इनसे पूछते हैं, कुछ मालूम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा आपने देखे कभी चीते इधर? रात को होते हैं, दिन को नहीं होते हैं ना। रात दिन को भी देखे हैं। अच्छा। आदमी ने जो है ना इस सड़क पे देखे हैं, ये आगे नगरी का रोड है, इधर जो है ना जंगल है ना, इधर होते हैं, इधर भी आते हैं। अच्छा। दो बकरी तो मेरी इसने जो है ना अच्छा मार दी थी ना। दो बकरी मार दी थी? दो नहीं है, तीन बल्कि मारी है। अच्छा। हाँ, रात को जब सेन में बांधी हुई थी ना। हाँ हाँ। तो उठा के ले गए। उठा के ले गया। हाँ। तो आपका घर इधर ही पहाड़ पे ही है? ऊपर है। ऊपर घर है? अच्छा। तो यहाँ पे कितने बड़े चीते देखा आपने? कितने बड़ा चीता है साइज में? साइज में जो है ना, एक तो उनकी जो है ना मादी है ना। अच्छा, एक मादी है। बच्चे उनके साथ होते हैं नाजिया। अच्छा, बच्चे भी होते हैं? वो नुकसान पहुँचाती है। अच्छा, कभी इंसानों को भी नुकसान पहुँचाया? नहीं, नहीं, नहीं। हमला किया कभी किसी पे? हाँ, ऊपर आगे जो इलाका है उधर किया होगा, इधर हमारे इलाके में नहीं किया। अच्छा, नहीं किया। सिर्फ जानवर जो है ना इनको मारते हैं। जानवरों को मारा है? अच्छा। और इसके अलावा कौन से जंगली जानवर इधर? जानवर तो बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, जंगल है ना, रात को जब घूमते ना जी। लो जी, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हैं और बच्चों के साथ हैं, एक नर है, एक मादा है और उनके साथ उनके बच्चे हैं। तो उन्होंने इनकी तीन बकरियों को भी खाया है और घर से बांध दिया, इन्होंने घर पे बांधा था, ऊपर रहते हैं पहाड़ पे ये, और उस पहाड़ से उनको उठा कर ले गए। घर से अंदर से ले जाते हैं? अंदर से ले जाते हैं। ओहो। तो जी, बड़ा यहाँ पर रहना जो ना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम होता है ऐसे जंगली जानवरों के बीच में रहना, एक बहुत दिल जीरे की बात होती है। भाई देखभाल के चल रहे हैं, ये बहुत स्लिपरी ये चीजें हैं ये। चलो ये तो नहीं है। नहीं नहीं, उतर ना जाए हो भाई, उतर ना। आगे आगे आगे। नहीं नहीं, आगे आगे से, यहाँ से रास्ता खराब है। रास्ता बहुत खराब है इसको। अच्छा, तेरी मेहरबानी है। आगे को रास्ता यार, तेरी मेहरबानी। मिल जाएगा। देखो ये उतरना भाजी, ये नहीं है, यही लाइन से सीधे रहो। जानवर भी चलते होंगे, वो चीता भी चलता हुआ जो हमें नहीं मिला। और इसी जंगल के अंदर मुझे शेर की गार मिल चुकी है, झुके उस चीते की गार मिल चुकी है जिसका जिक्र किया है, जिसकी तलाश में मैं आया था। मुझे यहाँ पे बताया है मुकामी लोगों ने कि ये गार है, इस गार के अंदर चीते को देखा गया है कई बार और यहीं से वो चीता अक्सर अपने शिकार करने को निकलता है। अभी इस टाइम पे नहीं निकलता दिन के टाइम, क्योंकि शिकार भी मौजूद नहीं होता और जो है धूप होती है, गर्मी होती है, वो भी आराम करते हैं इस टाइम पे, और शिकारी भी जो बाहर नहीं होते। मगरिब के बाद और सुबह फजर के टाइम पे इनका शिकार का टाइम होता है। तो ये वो जगह है, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊँ साथ साथ, इस जगह के ऊपर जो है वो चीता रहता है। मैं चीता तो नहीं देख पाया, मेरे ज़ाहिर है मैं देख भी नहीं सकता, अगर सामने आ गया तो मुझे तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं कहा एक मिनट के लिए रुक के मैं आपको दिखाऊं ज़रूर जो चीज़ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेक या मजाक कहेंगे, भाई अगर मैं फेक या मजाक कर रहा हूं तो मैं कोई बात झूठ नहीं कर रहा। आप इस इलाके में, मैंने इलाके का नाम भी बताया है, जगह भी बताई है, आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। ले जी, ये था मेरा सफ़र इस जंगल का और अब इस जंगल से नीचे उतर रहा हूँ। मुझे कोई जानवर तो नहीं मिला, लेकिन ये कि ओहो सुनने को स्टोरी बहुत सी मिल गई। मैं पहले बात कर लूँ आपसे, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मैंने कोशिश बहुत की ढूंढने की, कोई जानवर मिल जाता आपको दिखाता और अभी आपको स्टोरी भी सुनाई। तो यहाँ पर आते हैं चीते मीते रात बात में आते हैं, और अब तक के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट करके राय ज़रूर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।